हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी ग्रामर बुक व्याकरण मेहंदिनी पढ़ेंगे। ओके, पार्ट एक, इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में बताया गया। तो हम सबसे पहले भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या है बच्चों? हम किसी से भी बात करते हैं या कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं या किसी को कुछ दिखाते हैं, ये सब क्या है? भाषा ही है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह के भाषा का प्रयोग हो रहा है? मौखिक भाषा, यहाँ पर लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के हम मुख्य रूप से देखते हैं तो भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जो कुछ हम अपने विचार को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? अपने मुँह से बोल के प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भाषा का कौन सा है? मौखिक रूप है। इसमें हम कह सकते हैं बातचीत, वाद विवाद, भाषण या किसी चीज़ को बताना, ये सब क्या है? टेलीफोन पे बात करना, ये सब मौखिक रूप है। ओके, नेक्स्ट है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार या भावों को दूसरों को किस तरह से प्रकट करते हैं? लिख कर। ठीक है, तो लिख कर अपने भाव और अपने बात को प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषा कौन सा रूप है? लिखित रूप। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, ये सब किसके एग्जांपल हैं? लिखित भाषा के एग्जांपल। ठीक है, अब राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? जब कोई एक स्थान पर एक भाषा लगातार विकसित होती रहती है, मतलब आगे उसका यूज़ होता जाता है, इस्तेमाल होता जाता है, तो कुछ लोगों कुछ समय के बाद उस भाषा को किस रूप में? व्यापक रूप से प्रयोग करने लगते हैं। जैसे कि कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग, मतलब पूरे देश के सभी लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की हिंदी, क्योंकि ये हिंदी पूरे भारत देश में बोला जाता है। और मातृभाषा, मातृभाषा क्या है? हम अपने परिवार से और अपने माता पिता से जो भी भाषा सीखते हैं बोलचाल वाली, वो क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा होती है। ठीक है, तो बालक अपने परिवार या माता से जो भी भाषा सीखता है वो क्या कहलाता है? मातृभाषा। नेक्स्ट है बोली। तो बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली। ठीक है, तो हमारे देश में अलग अलग बोलियां भी बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग से बोलियां बोली जाती है। ठीक है, जैसे अवधी, मैथिली, ये सब, ये आपको आगे जाके समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिपि। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लिपि। ठीक है, नेक्स्ट, अब व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है? व्याकरण मतलब हम किसी भी चीज़ को जानने, सीखने और अच्छे से बोलने के लिए हमें, और शुद्ध रूप से बोलने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए और शुद्ध रूप से समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो बोलने या लिखने और समझने के लिए जो भाषा का शुद्ध रूप होता है, मतलब उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण। तो बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक अर्थ नहीं समझ सकते। ठीक है, उसका अर्थ समझना बहुत कठिन होगा, तो वो क्या है, किसकी ज़रूरत पड़ती है? व्याकरण।
तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखता है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के जो अंग हैं, मतलब क्या क्या पढ़ा जाता है व्याकरण के अंदर, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ण विचार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद और उनके उच्चारण किस तरह से किए जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। और शब्द विचार में शब्द की रचना किस तरह से होती है, किस तरह शब्द बनते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये देखेंगे। ठीक है, और वाक्य विचार में इसके अंतर्गत वाक्यों के भेद, अलग अलग प्रकार के वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आपका चैप्टर वन हो गया। अभी हम चैप्टर टू करेंगे और चैप्टर वन और टू का एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है, चैप्टर टू है वर्ण विचार। तो हम चैप्टर वन में वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। वर्ण विचार मतलब वर्ण किस शब्द किस तरह से बनते हैं उसके बारे में बताए। ठीक है, तो किसी भाषा के ध्वनि संकेत क्या है, वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला क्या है, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी वर्णों को, सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है स्वर और व्यंजन। स्वर आ से लेकर के ओ से उखली, औ से और तक। ठीक है, और व्यंजन का से लेकर के ज्ञा से ज्ञानी तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर। स्वर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो ह्रस्व स्वर, जो कि जिसका अर्थ है छोटा, मतलब जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है, इसमें बिना मात्रा वाली होती है, मतलब अ ई उ ए ये सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब जिसका अर्थ है बड़ा या लंबा, मतलब जिन स्वरों को उच्चारण में अधिक से अधिक समय लेता है, ज़्यादा समय लगता है, तो वो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। देखो अब इसे आराम से पढ़ा जाता है आ ई उ ये सब। ओके, और मात्राएं, सभी स्वर की जो मात्राएं होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है, केवल स्वर की मात्रा होती है। तो बच्चों ये आपको अच्छे से पता है मात्राएं और किस तरह से लगाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है, जो छूता है, मतलब हमारे जीभ और मुख को छूता है। ठीक है, स्पर्श करता है। तो ये का वर्ग के व्यंजन हैं। का वाली लाइन के जितने व्यंजन हैं उन्हें क्या कहा जाता है, का वर्ग। तो इनका उच्चारण किससे किया जाता है, कंठ से, गला से। ठीक है, चा वर्ग, ये चा वर्ग हैं, तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत मतलब दांत से, पा वर्ग ओष्ठ से, ओठ से। ठीक है, हमारे होठों से। नेक्स्ट है अंतःस्थायी व्यंजन। अंतःस्थायी का अर्थ होता है अंदर या बीच में स्थित होना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अंतःस्थायी व्यंजन। तो जब हम य र ल व इनका उच्चारण करते हैं तो ये किसी से भी टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, हमारे जीभ और मुंह ये किसी से क्या स्पर्श नहीं होता है, टच नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, गर्म, मतलब इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति मुंह से बाहर निकलती है जोर से। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, श श सा ह ये सब। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये चार हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्र से श्रमी। तो ये का छा से क्षत्रिय किससे बना है, का और शा से षटकोण, त्रा से त्रिशूल ता और रा से मिलकर बना है, ज्ञा से ज्ञानी जा और या से बनकर मिला है। नेक्स्ट श्र से श्रमिक, श और रा से बना है। ओके, तो ये है आपका अयोग्य व। नेक्स्ट है अयोग्य व,
अंग से अंगूर और अहा खाली, ये किस में आते हैं? आपके अयोग्य वा में, ठीक है। ये किसी भी स्वर से नहीं मिलते हैं, किसी भी स्वर में नहीं मिलते हैं और ना ही ये किसी भी व्यंजन में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोग्य वा। नेक्स्ट, अंग से अंगूर और अहा खाली, ये क्या है? अंग से अंगूर को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और अहा खाली को क्या कहा जाता है? विसर्ग, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है? अंग की मात्रा। अनुनासिक चंद्रबिंदु, ठीक है। और विसर्ग अहा खाली को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। आपको एक्सरसाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। ओके, थैंक यू। और इसे आपके अभी क्वेश्चन आंसर बच्चों आपको अपनी हिंदी कॉपी में ही लिखना है, और बाकी एक्सरसाइज इसमें करना है आपको बुक में करना है। आपको ग्रामर की अलग सी बुक नहीं, अलग सी कॉपी नहीं बनानी। ओके, थैंक यू।